लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। जिस सतगुर मिले तिस पौ पवे, सतगुर मिले तिस पौ पवे, सा कुलवंती नार, कुलवंती नार, सा हुक्म पछाण कंत का, जिसनो कृपा कीती करतार, जिस सतगुरु मिले तिस भौ पवे, सा कुलवंती नार। महाराज कहते वो जीवात्मा उच्ची कुल वाली हो गई, कुलवंती हो गई, कुलवंत वाली, उच्ची कुल वाली। जिस सतगुरु मिले तिस भौ पवे, जिन्हों सतगुरु मिलिया सच के ज्ञान नाल जुड़िया, उहदे अंदर भौ उस परमात्मा का डर, वो उन्होंने हाजिर नाजर समझदा, वो डर में रहन लग पिया, भाव प्रेम भरा डर, सत्कार भरिया डर। सा हुक्म पछाणे कंत का, जिसनों कृपा की करतार। कहिंदे उहदा जीवन की बनिया, उन्हें अपने मालिक के हुक्म हुण पछाण लिया, हुक्म है बूझै तां दर सूझै, उन्होंने अपने जीवन का मार्ग पता लग गया, सूझी आ गई, सूझा तो भाव सूझी। सा हुक्म पछाणे कंत का, जिसनों कृपा कीती करतार, जिदे उत्ते मेरे उस करतार ने करते ने कृपा कीती है, बख्शिश कीती है, ते मारे कहिंदे उह अपने मालिक का हुक्म पछाणन लग पई। हाँ जी, ओ कुचजी कुलखणी, पर हर छोड़ी पतार, पै पिया मल कट्टी है, निर्मल हुआ शरीर, ओ कुचजी कुलखणी, पर हर छोड़ी पतार। क्योंकि गल उपर पूरी करती आ रहे ने महाराज, वो सब तो भैड़े लक्षण वाली है, कुचजी है, उन्होंने चज कोई नहीं, जिसनों मालिक ने त्याग दिता है, भाव जिहड़े उस परमात्मा के गुणा तो सखने हो गए, वो कुचजे ने, भावें दुनिया उन्होंने पूजती है, भावें दुनिया उन्होंने पिछे तुरी फिरती, भावें चारे दिशावां विच लोग उन्होंने जानते हैं, जे दूर तक उन्होंने भावें कोई जानता भी हो गए, पर कहने जे मालिक वालों छड़े गए ने ना, वो तो कुचजी है, कुलक्षणी है, पर हर छोड़ी पतार, क्यों जी मालिक वालों त्याग दी गई उस प्रभु वालों। भै पया मल कट्टी है, निर्मल हो गया शरीर। हुण महाराज दूजे पासे गल करते हैं, क्योंकि पहला महाराज गल कर आए हैं कि जिस सतगुर मिले तिस भौ पवै, जिन्हां नूं सतगुरु मिलिया जिहड़े बाणी नाल जुड़े उन्हां अंदर भौ पै गया, डर पिया उस मालिक का। कहिंदे डर पैण नाल की होया, भै पया मल कट्टी है, उस मालिक का डर पैण नाल होमे की मैल, विकारां की मैल अंदरों कट्टी गई, निर्मल हो गया शरीर, ये शरीर हुण निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। हाँ जी, अंतर प्रकाश मत उत्तम हो, हर जप गुणी गहीर, अंतर प्रकाश मत उत्तम होवे, हर जप गुणी गहीर।
क्योंकि जिन्ना अंदर उस मालिक का भाव है दर है उन्ना अंदर प्रकाश है ज्ञान का, क्योंकि वह बाणी नाल जुड़े हुए ने, वो अपने सतगुरु की बाणी नूं चेते रखते हैं, उन्होंने नॉलेज है इस गल की, अंदर ज्ञान हो गया प्रकाश हो गया। अंतर प्रकाश मत उत्तम हो गए, क्योंकि जो अंदर ज्ञान का प्रकाश है तो मत उत्तम हो गई। हूँ देखा देखी सब करें मनमुख बूझ ना पाए, वो मनमुख तो गुरमुख का यही फर्क है, जो गुरमुख वो गुरु के भाने वाले चलता है, क्योंकि अंदर गुरु के भाव में रहिंदा है, जो मनमुख है दुनिया के भाव में रहिंदा है। मनमुख कहिंदा लोग की कहणगे, गुरमुख कहिंदा गुरु की कहेगा, उन्होंने अपने गुरु का डर है, मनमुख नूं लोगों का डर है, बस इन्ना ही। जो इस कंपैरिजन असीं समझना शुरू किया तो वेखो अपने आप नितारा हुंदा चलिया गया। अंतर प्रकाश मति उत्तम होवै हर जप गुणी गहीर, तेरे अंदर प्रकाश होया मत उत्तम होई, हुण उह हरी दे गुणां नूं जपदी ते गुणां दा खजाना बन गया, गुणां दा अंदर दौलत इकट्ठी हो गई, गहीर हो गया भाव अंदर खजाना गुणां नाल भरपूर हो गई। हाँ जी, पै विच वैसा पैर है, पै विच कमावै कार, एथे सुख वडियाईयां, दरगाह मुख द्वार, पै विच बैसै पैर है, पै विच कमावै कार। ते जिहड़ा गुरमुख है उस परमात्मा दे पै विच रहिंदा है हमेशा, पै विच बैसै बैठा भाव बहिंदा भी पै विच है, रहिंदा भी पै विच है, ते जो कम करदा उहदे पै विच रह के करदा, भाव दे हुक्म विच, पै विच सूरज पै विच चंद, उहदा मतलब भी यही है कि उहदे पै विच ने, भाव उहदे निजम विच ने, उहदी मर्यादा विच ने, ओह जिहड़ा गुरमुख है गुरु दे दसे मार्ग के अनुसार मर्यादा विच रहिंदा होया अपने जीवन नूं निभाउंदा है। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਰਗਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ, ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਪਾਵੈ ਸਾਪਲੀ, ਜਿਸਨੋ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸਾਪਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਉਹ ਭਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ,
समझाइए। सच्चे को बल जाओ, नानक एक छोड़ दूजा लगे, साजे वा जल जाओ। महला तीजा सदा सदा साला ही है, सच्चे को बल जाओ। महाराज फिर मैं उस सच्चे तो वाहिगुरु अकाल पुरख तो बलिहार जाना, सदके जाना, सदा सदा हमेशा हमेशा उस ही सिर्फ सलाह करता हाँ भाई, उसकी सिर्फ सलाह करनी करो। नानक एक छोड़ दूजा लगे, साजे बा जल जाओ। तो महाराज कहने एक नू छड़ के, क्योंकि साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। जिहड़े कहिंदे ने ना कि सारिआं नू मन्नदे आ असीं, तां उह किसे नू नहीं मन्नदे। एक चलाकी है, एक राजनीति। बहुते लोग ये गल नू कहिंदे ने कि तुसीं फिर परिवार दे विच 50 चाचे हो सकदे ने, 20 ताए हो सकदे ने, 40 भूआ हो सकदियां ने, पर बापू इको ही हुंदा। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਡੂਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਜੇ ਬਾ ਜਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੌੜੀ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਉਪਾਇਓਨ, ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਕੀਆ, ਜਿਉਂ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੀੜੀਆ। ਅੰਤ ਪੌੜੀ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਉਪਾਇਓਨ, ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੁਗਾ ਜੁਗ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵੈ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਦੀ ਸੀ, ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਝੀ ਲਈ, ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯ ਸਿਧਾਂਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਟਿਕਿਆ,
क्योंकि पहला जिहड़े गुरु होया करदे सी उन्हां दे मरण तो बाद गुरु नूं पदवी दित्ती जांदी सी ते महाराज ने जिउंदे जी। इस तरह ही राजनीति विच भी सानूं अज तक अपनी वोट पावर नहीं पता लगी। वोट पावर असीं वोटां दे वेले शराब की बोतल लैके वोट पाया उन्हें कि उन्हें पानी है पता ही नहीं, जिहे जे बनाया उन्हें उहो जे फिर झली जाने 5 साल। यही हाल साडा इस तरह ही है। हुण जिहड़े सानूं पंज प्यारिआं नाल, पंज प्यारे कौन सन, किहड़े होने चाहिए ने, की उन्होंने जीवन पंज प्यारिआं वाला हैगा, गुरसिक्खी वाला जीवन है, वह चुनने ने। यह नहीं कि मेरे वर्गा फड़िया चल कि तुम भी पंज प्यारिआं जा गया तो तुम भी पंज प्यारिआं जा गया, नहीं। पहली गल। दूजी गल, जदों वह पंजां प्यारिआं विच गुरु के सन्मुख हुंदा उदों गुरु सरूप है, जदों बाहर आ गया फिर गुरु का सिख है। इस सिद्धांत नूं, इस कला नूं असीं जाण ना सकते, समझ ना सकते। इत्थे हुण मारे कहिंदे अंसा अवतार उपायन, उस मालिक ने अपनी अंश दे के ये अवतार पैदा किए। अंसा अवतार उपायन भाओ दूजा किया, दूजे प्रेम च पै गए लोग, उन्होंने ही सब कुछ रब मनन लग पे। ज्यों राजे राज कमांदे दुख सुख भिड़िया, जिवें राजे राज कमांदे सी वह भी दुखां विच सुखां विच भिड़दे रहे, लड़दे रहे, मरदे रहे। कादी खातर? जमीन जायदाद की खातर, राज भाग की खातर, औरत की खातर। जर जो जमीन तीन कारण रहे लड़ाई दे, तिना की खातर ही लड़ते रहे। ईश्वर वर्मा सेव दे, अंत तिनी ना लहिया, निरपो निरंकार अलख है, गुरमुख प्रगटिया, तिथे सोग बजो ना व्यापई, असर जगथिया। ईश्वर वर्मा सेव दे, अंत तिनी ना लहिया। मर्ज कहते लोगों ने ईश्वर, ईश्वर वर्मा ब्रह्मे नू शिवजी नू पूजते ने, पर कोई अंत ना पा सकिया उस मालिक का। निरपो निरंकार अलख है, गुरमुख प्रगटिया, क्योंकि परमात्मा तो निरपो है, उन्हें किसी का कोई डर नहीं, वह निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, अलख है, लेखे तो बाहर है। फिर कहते प्रगट कितने होंदा, गुरमुख प्रगटिया, जिहड़े गुरु वाले ने, जिहड़े गुरमुख ने, गुरु के दसे मार्ग के अनुसार अपना जीवन जिउंदे ने, उन्हां विचों प्रगट हुंदा है, भाव उन्हां विचों समालक की झलक नज़र आउंदी। तिथे सोग वियोग ना व्यापई, अस्त जगथिया, क्योंकि गुरमुख बन के गुरमुख की अवस्था से आके तिथे उस अवस्था से ना सोग है, ना वियोग है, कुछ भी नहीं। उत्थे ते इस संसार विच हुण स्थिर हो गया, मन डोलदा नहीं, मन एक जगह स्थिर है, भाव अपने गुरु के दसे मार्ग के अनुसार वह जीवन जिउंदा है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। इतिहास भरिया पिया, इतिहास भरिया पिया अपना, बंद बंद कटे गए, खोपड़ियाँ उतर गई, बच्चों के टोटे करके गलों च हार पवा दिते गए, वो अपने मिशन तो नहीं डोले। क्यों? क्योंकि बाणी नाल जुड़े हुए लोग सन गुरु के प्यारे, इस करके लोड़ है सानू बाणी नाल जुड़न की, लोड़ है उस अकाल पुरख नाल जुड़न की, क्योंकि देवी देवा ना पूजिया भाई, क्या मांगो क्या दे। अपने अपने समय के राजी हुए ने, चले गए, पर अज जो साढ़े को मौजूद है गुरु ग्रंथ साहब, ये बाणी अज भी मौजूद है, जिहड़ा भी मुताबक अपना जीवन जिउंदा है स्थिर होके ज्यौंदे जी, ये मन नूं स्थिर करके अपना जीवन बतीत कर लो। वाहेगुरु मेरे राम, हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे, हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे।